500 को रोक रहे हैं, सीधा लोकसभा का रुख करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। हिसाब मांग रहे हो, 70 साल आपने क्या करा इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? क्या किया 70 साल? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। माननीय अध्यक्ष जी, उनको भी मालूम है कि धारा 370 हटने के बाद अभी तो वहां पर प्रशासन स्थिति को संभाल रहा था, इतने में कोविड लग गया, एक साल लगभग लगभग सब कुछ बंद रहा है और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं हिसाब देता हूं, आना पाई का हिसाब देता हूं, एक एक काम का हिसाब देता हूं, एक एक बात का हिसाब देता हूं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं, माननीय दर्जी, जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया, वो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि हम हिसाब मांगने के लायक है या नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, धारा 370 को हटाने का मसला कोर्ट में है, मसूदी साहब हाईकोर्ट के जज रहे हैं, सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, मगर मुझे रिकॉर्ड तो क्लियर करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, मनीष तिवारी जी ने भी कहा, वो भी चले गए, आ गया गया, अच्छा हुआ लंबित है। माननीय अध्यक्ष जी, उनको कोर्ट का प्रोसीजर मालूम है और ये मामला कोर्ट में लंबी बहस हुआ और बाद में 5 जजों की बेंच को सुपरत किया गया है। अगर इतनी अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसमें दिखाई पड़ती तो सर्वोच्च अदालत को पूरा अधिकार था कानून पर रोक लगाने का और वो रोक लगा दी थी। परंतु यहां पर कोई स्टे नहीं है, सर्वोच्च अदालत ने यह नहीं कहा है कि इस कानून का अमल नहीं हो सकता, उन्होंने उसको विचाराधीन रखा है। जब सर्वोच्च अदालत पूछेगी तब हम जरूर जाएंगे, जवाब देंगे और सर्वोच्च अदालत निर्णय करेगी, मगर कहीं पर भी एक कानूनी स्थिति नहीं है कि इसका अमल नहीं हो सकता, इसके कारण जम्मू और कश्मीर का पूरा विकास को हम रोक कर बैठ जाएं, वहां पर डेवलपमेंट के कामों को हम रोक कर बैठ जाएं। और मुझे कह रहे हैं माननीय सदस्य श्री तिवारी जी कि हम जाए और सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दे कि इसको जल्दी सुनवाई करो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही एक पक्ष लेकर कि इस देश में धारा 370 नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने हटाया, मगर आप तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही नहीं हो भाई, ना हा ना ना बीच का रास्ता लेकर चल रहे हो और दोनों ओर बोल रहे हो। ये तो आप भी कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि भाई जल्दी सुनवाई करो, ये भी आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट आजकल वर्चुअल सुनवाई करता है और जिसमें 70-80-100 वकील एडवोकेट खड़े होंगे, पार्टियां इतनी होगी, इसकी वर्चुअल सुनवाई संभव नहीं है, ये आपको भी मालूम है, इसलिए सुनवाई नहीं हुई। इसका एक बड़े हिस्से का सुनवाई हो चुका है, 5 जज का बेंच भी बन चुका है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल सुनवाई के मोड से पुनः फिर से एक बार आमने सामने की सुनवाई करेगा तब जरूर सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से इसको सुनेगा, मगर तब तक कोई काम ना करे क्या? ये किस प्रकार के उदाहरण इस सदन के अंदर दिए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य टी सुमति और काफी सारे सदस्यों ने कहा कि बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं, मनसा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इसे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है, उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। और कह रहे हैं कि स्टेटहुड देना है तो एगमुट में क्यों लेकर आए? जरा एगमुट कैडर को ही समझ लेते, क्या अरुणाचल राज्य नहीं है? क्या गोवा राज्य नहीं है? मिजोरम राज्य नहीं है? ये सारे राज्य ही है, जरा ध्यान से
पढ़ लेते तो इतनी फजीहती न होती। ये सारे राज्य है और एडमिट कैडर के अंडर में है, जहां पर विशेष प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव परिस्थिति होती है, वहां पर अफसर भेजने पड़ते हैं और वो राज्य के विकास के लिए जाते हैं। जो अफसर एडमिट कैडर के हैं वही मसूरी की जगह पे ट्रेनिंग लेकर आते हैं जो जम्मू कश्मीर कैडर के लोग पहले लिया करते थे। ये ऑल इंडिया कैडर है मान्यवर, और वो इसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। भाई आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आपको, मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दे, क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता? एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता? किस प्रकार से देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं? का सेक्युलरिज्म? हिंदू मुस्लिम में अफसरों की संख्या बांटेंगे? इस तरह से तो मान्यवर कश्मीर के अंदर शांति नहीं होगी, ज्यादा चिंता होगी, ज्यादा उचाट होगी, संशय बढ़ेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। अभी उन्होंने एक और निवेदन कर दिया मान्यवर कि 2G से 4G विदेशियों के दबाव में किया है। वो इस हिसाब को मालूम नहीं है, जिसका वो समर्थन करते थे वो यूपीए की सरकार चली गई है, ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश के फैसले ये देश करता है, इस देश के फैसले इस देश की संसद करती है, कोई हम पर दबाव नहीं कर सकता। और हमने उसको इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया था मान्यवर कि कुछ संभलने के लिए समय चाहिए था, अफवाहें न फैलाई जाए इसके लिए समय चाहिए था। और आप हमें पूछ रहे हो भाई अधीर रंजन जी, 2G और 4G आपने तो मोबाइल भी बंद कर दिए थे और 20 साल तक बंद कर दिए थे। वाजपेयी जी की सरकार ने आकर 2G 4G छोड़ो, मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी थी। कहां गए थे उस वक्त सारे अधिकार? मैं आपको पूछना चाहता हूं मान्यवर आपके माध्यम से, कहां गए थे सारे अधिकार? जब विपक्ष में बैठते हैं तब अपने समय में क्या किया था वो भी तो थोड़ा याद रखना चाहिए, वरना फिर सुननी पड़ेगी। मान्यवर ये हमें 4G और 2G का कह रहे, मैं अभी भी कहता हूं कि सबसे बड़ा नागरिक का अधिकार है सुख और शांति से रहने का, सलामती के साथ रहने का। सलामती जहां नहीं होगी वहां सारे अधिकारों का कोई मतलब नहीं। ये नई फैशन शुरू होगी मान्यवर। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हम विदेश के दबाव में आकर कह रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि किसके दबाव के अंदर धारा 370 को इतने समय तक चालू रखा आपने? ये तो जरा बता दीजिए किसका दबाव था, कौन प्रेशराइज करता था? अभी किसी ने कह दिया बड़े बड़े साहित्यिक शब्दों के साथ कि शासन का जनता से वादा था, एक एग्रीमेंट था। भाई मैं तो एग्रीमेंट को बारीकी से पढ़ता हूं और मैं तो मानता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी जो वादे करे हैं उसको ध्यान से पढ़ने चाहिए और इसका अमल करना चाहिए। 370 के बारे में कहा गया कि 370 और 35 से वो देश की सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता से एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट जरूर था मगर उसमें टेम्पररी शब्द आप भूल जाते हैं पढ़ने का, ये टेम्पररी था। और जो मेरा हिसाब पूछ रहे 17 महीने में स्टेट हुड कब दोगे, हम जरूर देंगे, मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये मैंने भी कहा है स्टेट हुड टेम्पररी है, आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? एक टेम्पररी प्रोविजन कब तक टेम्पररी रहेगा? टेम्पररी प्रोविजन को क्यों उखाड़ नहीं देते यार? क्यों कोई पूछता नहीं था? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी। ये सरकार वोट बैंक की राजनीति से नहीं चलती, ये सरकार देश के हित में फैसले करती है, ये सरकार देश के भविष्य को सुधारने के लिए। हम आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र है, जीतेंगे हारेंगे, इसको ध्यान में रखकर
देश के भविष्य को ताक पर हम नहीं रख सकते, न हम रखना चाहते। ये आपकी पॉलिसी है, आपको मुबारक हो। मान्यवर, इन्होंने कहा कि लोकल अफसरों का अधिकार चला जाएगा। मुझे कोई समझाए भला, देश भर में आईएएस आईपीएस अफसर भेजे जाते हैं, लोकल अफसरों का अधिकार चला जाता है क्या? चला जाता है तो जम्मू कश्मीर में कैसे चला जाएगा? दादा, आप ज्यादा पढ़ नहीं सकते, अब मैं समझ रहा हूं। देश भर में यही रेशियो है, आपके बंगाल में भी ये है। क्यों अलग रखना? कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है? कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है क्या? क्यों अलग रखना? और क्या कश्मीरी युवा को देश की ऑल इंडिया कैडर में आने का अधिकार नहीं है? अगर स्कूलों में पढ़ाते, स्कूल जला न दिए गए होते, मदरसों के अंदर बच्चों को जाने के लिए मजबूर न करते, तो कश्मीर के बच्चे भी आज आईएएस और आईपीएस अफसर बने होते। स्कूल किसके टाइम में जल गए? और मेरा हिसाब ले रहे हैं, मुझसे हिसाब मांग रहे हैं, कितने लोग मर गए, ये हो गया, वो गया। मनीष भाई, कांग्रेस का शासन याद करो क्या होता था। हजारों लोग मारे जाते थे, सालों तक कर्फ्यू रहता था। और परिस्थिति का आंकड़ों के आधार पर जरा आकलन करो, मैं इसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि तू तू मैं होती है। कश्मीर में शांति बहुत बड़ी चीज है, और जो अशांति का समय था उसको मैं याद भी करना नहीं चाहता। भगवान करे कभी ऐसी अशांति वहां न हो, और नहीं होगी, क्योंकि अब हमारा शासन। मान्यवर, मसूदी साहब कहते हैं 80% जगह पर डायरेक्ट रिक्रूट थे। तो भाई डायरेक्ट रिक्रूट पर क्यों भरोसा नहीं? देश के हर राज्य की स्थिति है मान्यवर कि डायरेक्ट रिक्रूट अफसर होते हैं, इसका एक प्रो रेटा है। प्रमोशन होता है जब लोकल अफसरों का, तो वो भी जगह लेते हैं। और ये देश का, पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इसी आधार पर बना है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर चीप पॉपुलैरिटी के लिए ये कहना कि 80% अफसर बाहर के, कोई बाहर का नहीं है, सभी भारत माता की संतान है, इसी भारत में जन्मे हुए, बाहर का क्या होता है? नई पैटर्न और नई फैशन विकसित करिए, बाहर का है, बाहर का है। दादा, आपको नहीं कह रहा मैं, मान्यवर, एक गलत रास्ता है, इस रास्ते पर देश में भलाई नहीं होगी। मसूदी साहब कह रहे हैं कि आपने बोडोलैंड को ये दे दिया, मणिपुर को ये दे दिया, कश्मीर को क्यों नहीं? अरे मसूदी साहब, जरा सच बोला करिए, आप तो जज हो, सब कुछ पढ़ते हो, सभी एकॉर्ड निकाल कर दीजिए, किसी को अलग संविधान नहीं दिया है, किसी को अलग झंडा नहीं दिया है, किसी को धारा 370 नहीं दी है। और ये तो हमारा वादा था देश की जनता को 1950 से, कि इस देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं रहेंगे, और आज मोदी जी के नेतृत्व में हमने इसको समाप्त कर दिया। मान्यवर, इन्होंने विकास की काफी सारी बातें करी, और मैं भी करना चाहता हूं कि धारा 370 से क्या मिला इसका हिसाब वजीरे दाखला दे, गृह मंत्री दे, तो ठीक है भाई, आपने कहा है तो मैं दे ही देता हूं। सबसे पहला काम हमारी सरकार आने के बाद वहां पंचायती राज का पुनर्स्थापना हुआ है, शुरुआत हुआ है। पुनर्स्थापना शब्द ठीक नहीं है। जब इस देश का संविधान लिखा गया, संविधान लिखने के बाद डॉक्टर आंबेडकर ने, जब संविधान का एडिटिंग का भी काम समाप्त हो गया, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया था साहब, इस देश के लोकतंत्र को, वो वाक्य को सुवर्ण अक्षर में मंडित कर डॉक्टर आंबेडकर के वाक्य को रखना चाहिए। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, गरीब दलित पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, दलित गरीब और पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे, मगर कश्मीर में आज तक राजे रानी के पेट से ही पैदा होंगे। ये तीन परिवार के लोग ही शासन करते थे, तीन परिवार के लोग ही शासन करते थे, और इसीलिए उनको धारा 370 शूट करती थी। मान्यवर, हमने पंचायत के चुनाव कराए, अभी
डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चुनाव हुए, लगभग 51.7% वोटिंग हुई, कहीं पर भी गोली नहीं चलानी पड़ी और मान्यवर शांतिपूर्ण मताधिकार का प्रयोग हुआ। कांग्रेस के शासन के चुनाव कैसे हुए थे मैं इसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता, परंतु कोई आरोप नहीं कर सकता, हमारे विरोधी भी आरोप नहीं कर सकते कि चुनाव में घपला हुआ, इस चुनाव में अशांति हुई, इस चुनाव में अफसर का उपयोग किया गया। सबने भय के भय रहित होकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है और मान्यवर 51% मतदान पंचायत के चुनाव में हुआ है और जिन्होंने धारा 370 वापिस लाने के आधार पर चुनाव लड़ा था वो साफ हो गए, साफ। कश्मीर की जनता का मैंडेट भी उनके साथ नहीं रहा, चुनाव हारे हैं। मान्यवर दिसंबर 2018 में नीचे के पंचायत के चुनाव किए जिसमें 74% लोगों ने अपने वोट डाले, 74.1%। कश्मीर के इतिहास में इतना मतदान कभी नहीं हुआ मान्यवर। कुल 4483 सरपंच निर्वाचित क्षेत्रों में से 3650 सरपंच निर्वाचित हुए, 35,029 क्षेत्रों से